5 चुनावी राज्यों में वोटों की गिनती के साथ नतीजे भी साफ हो चुके हैं। कोई भी पार्टी या यहाँ पर अलायंस बीजेपी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में लौटने से रोक नहीं पाया। हाँ, पंजाब में जरूर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर झाड़ू फेर दी। और ऐसे में आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में भगवा परचम की बात करें तो बीजेपी और उसके साथी पार्टियों का राज 18 राज्यों में ज्यों त्यों का काम है। और ऐसे में 5 राज्यों का ये चुनावी उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आ चुके हैं, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। कह सकते हैं कि एक बार फिर से जनता ने बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है और एक बार फिर से 4 राज्यों में यहाँ पर कमल का जो फूल है वो खिला है। और ऐसे में अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इतिहास बदल दिया है और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जनता का भरोसा जीता है और एक बार फिर से जनता ने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर आई है और जनता ने अपना पूरा यहाँ पर समर्थन आम आदमी पार्टी को दिया है। और ऐसे में केजरीवाल ने कहा है कि एक बार फिर से पंजाब की जनता ने जो है वो कमाल करके दिखा दिया। लेकिन वही अगर 4 राज्यों की बात की जाए तो 4 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। और इसी के साथ जिस तरीके से एक बार फिर से बीजेपी को जनता यहाँ पर लेकर आई है और इसी के साथ जिस तरीके से विकास का मुद्दा उठा है और जनता ने एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है और यहाँ पर गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और 2 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के हक में रही हैं। चलिए तो खबरें में आगे बढ़ते। वही 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में समर्थकों का जो हौसला है वो अफजाई किया है। बीजेपी ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भी उसके दोबारा सरकार बनाने का रास्ता साफ दिख रहा है। इससे बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनका हौसला भी अफजाई किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों में बीजेपी के लिए वोट करने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद भी किया है। इस दौरान विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जिक्र भी किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने पंजाब का भी जिक्र किया। उन्होंने भरोसा जताया है कि सीमावर्ती राज्यों में बीजेपी मजबूती के साथ सत्ता में आई है और ऐसे में पीएम ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार से लेकर लोकतंत्र और यूक्रेन रूस युद्ध तक का भी जिक्र किया। अपनी स्पीच के अंत में उन्होंने मतदाताओं के लिए ताली बजवाकर धन्यवाद भी किया है। तो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार, एक बार फिर से जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है और काम का ही नतीजा है कि एक बार फिर से 4 राज्यों में बीजेपी का फूल जो है, कमल जो है वो खिला है। सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। गोवा में सारे जीतपोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में
बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है।